Subscribe to our channel, press the bell icon and never miss an update from In terms of number of cases, मैं आपकी दृष्टि में लाना चाहूंगा कि 415 कंफर्म केसेस देश में अभी तक रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें से 23 पेशेंट डिस्चार्ज भी हो चुके हैं ठीक होने के बाद, और 7 डेथ रिपोर्ट हुई हैं, जिनमें सभी लोगों को कोई कोमॉर्बिड कंडीशंस भी थी। फोकस करना है कि अगर हम लोग आइसोलेट कर दें उस जो बाहर से आए हैं, उनको 15 दिन के लिए 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दें, और यदि होम क्वारंटाइन भी कर रहे हैं तो उनको बिल्कुल दूर रखना है, कम से कम 1 मीटर या अलग कमरे में रहें तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। यदि कुछ लोग बच्चे आ गए हैं, अपने घर भी चले गए हैं कुछ, तो उनको अलग कमरे में रहना ज़रूरी है। कुछ लोग जो यूनाइटेड किंगडम से आए, कुछ यूएसए से आए, कुछ काफ़ी फ्लाइट्स आई, तो अब उन लोगों के लिए क्या करना चाहिए, तो इसकी स्ट्रेटजी जो है वो इस समय तो ये है कि उनको आइसोलेट करना ज़रूरी है। जैसे कि लव अग्रवाल जी ने कहा कि उनको चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक करना है, और इस चेन ऑफ ट्रांसमिशन के ब्रेक करने के लिए सबसे आसान तरीका है आइसोलेट करना उनको। जैसे ही वो आइसोलेट हो जाएंगे तो वो वायरस नहीं स्प्रेड होने की उम्मीद कम है हम लोग को, क्योंकि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वायरस हवा में तो नहीं है, मगर जो हम ज़रा सा बात कर रहे हैं तो ड्रॉपलेट्स जो गिरती हैं उस ड्रॉपलेट से ट्रांसमिशन होता है, और बहुत ही इफ़ेक्टिव ट्रांसमिशन होता है, क्योंकि ये वायरस बहुत स्ट्रॉन्ग है ट्रांसमिशन करने में। तो इसकी जैसे आप इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है इस वायरस की, तो इसलिए उनको आइसोलेट करना बहुत ज़रूरी है। Relationship with China is a very good relationship. I wish they told us 3 months sooner that this was a problem. We didn't know about it. They knew about it, and they should have told us. We could have saved a lot of lives throughout the world. But I'm a little upset with China, I'll be honest with you, because as much as I like President Xi, and as much as I respect the country and admire the country, I have great admiration for the country, what they've done in a short period of time. Of course, our presidents, our previous presidents allowed that to happen. You should say thank you very much to all of them.